नमस्कार दोस्तों, मैं रामकला यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि दूध डेयरी की जो मशीन होती है उसमें से खराब दूध, बासी दूध और फटा हुआ दूध को किस तरह से चेकअप किया जाता है। ऐसा दोस्तों हमें कई बार जो है कमेंट किया गया और व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया गया कि सर जी हमें इसके बारे में बताइए कि दूध डेयरी जो होती है उस मशीन में किस तरह से चेकअप किया जाता है, जो खराब दूध होता है, फट जाता है दूध, बासी दूध है, तो किस तरह से वहाँ बताया जाता है। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा लेना उसमें आल करके, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसका कोई खर्च नहीं है। तो आते अपने मेन टॉपिक पर कि दूध डेयरी में मशीन पर फटा दूध, बासी दूध और खराब दूध को किस तरह से चेकअप किया जाता है। जहाँ तक बात आती है चेकअप करने का, तो उस मशीन के अंदर जो सिस्टम होता है, फैट का होता है, स्नेप का होता है और तीसरा जो है वो पानी का होता है। फैट कितना है वो बताएगी, एसनेप कितना है वो भी बताएगी, पानी की मात्रा कितनी है वो भी उसमें बताएगी। लेकिन दोस्तों क्या है, उस मशीन में ऐसा सिस्टम नहीं है कि बासी दूध पकड़ ले और ख़राब दूध को पकड़ ले, दूध फटा हुआ है उसको पकड़ में आ जाए, ऐसा उसके अंदर सिस्टम नहीं होता। चेक करने के लिए उसे पी करके चेक किया जाता है, उसका अगर बासी है ख़राब है, सूंघ करके भी पता किया जा सकता है कि किस तरह से दूध है, ख़राब है कि नहीं, और अधिकतर जो है पीने के बाद पता चल जाता है कि दूध बासी है, ख़राब है या फटा हुआ है, उससे काफ़ी हद तक पहचान किया जाता है। बाकी मशीन के अंदर ऐसा कोई मिल्क इक्को मिल्क की है, भिन्नी की है, कई मशीनें हैं, लेकिन उसके अंदर ये दूध फटा हुआ हो ऐसा चेकअप करने का कोई सिस्टम नहीं होता।